Lesson number 12, The Hidden Treasure. ब्रूच एंड गोल्डी, मतलब ये है ब्रूच और ये है गोल्डी, ठीक है। वन नेबर्स, ये दोनों कौन थे? पड़ोसी थे। ब्रूच वॉज पुअर वाइल्ड गोल्डी वॉज रिच। ये जो ब्रूच था गरीब था और उसका जो दोस्त था, उसका जो पड़ोसी था गोल्डी, वो बहुत अमीर था। वन डे अ वाइज ओल्ड मैन केम टू गोल्डीज हाउस। एक दिन ये बूढ़ा आदमी और चालाक आया गोल्डी के पास और उससे कहा, एंड टोल्ड हिम, कहा डैट ऑल हिज फॉर्टन एंड मनी वुड समडे पास ऑन टू हिज नेबर ब्रूच। उसकी जो पूरी दौलत है, गोल्ड पैसा, सब एक दिन ब्रूच के पास चले जाएगा। गोल्डी वॉज वेरी अपसेट टू हियर दिस। गोल्डी जो था बहुत, वो गोल्डी क्या हो गया था, उदास हो गया था ये सुन के कि अरे उसकी पूरी दौलत उसके पास चले जाएगी, ठीक है। सो ही सॉर्ट ऑफ ऑल हिज वेबल्स एंड ब्रॉट अ बिग डायमंड विद डैट मनी। तो उसने है ना क्या करा, उसने क्या करा, जो उसकी पूरी दौलत थी सबको बेच के है ना, उस सबको बेच दिया, वो मनी को भी बेच दिया। ही सेव द डायमंड इनटू हिज टर्बन। उसने है ना एक डायमंड को अपने ये टर्बन में सिल दिया। ही वेयर द टर्बन टू एट ऑल टाइम्स। वो अपने टर्बन को हमेशा पहनता था, सो डैट नो वन कुड गेट द डायमंड। गोल्डी थॉट टू हिमसेल्फ, उसने कहा हिमसेल्फ, नाउ माई पुअर नेबर ब्रूच कैन नेवर गेट माई मनी, फॉर आई शैल ऑलवेज कैरी इट ऑन माई हेड। तो क्या उसने क्या सोचा कि उस ये जो उसका पड़ोसी है ये ब्रूच, उसको अपनी उसकी दौलत कभी नहीं जाएगी। मैनी मंथ्स पास्ड बाय, बहुत महीने हो गए निकल गए। वन डे व्हेन गोल्डी वेंट वोटिंग अ स्ट्रॉन्ग विंड ह्यू ऑफ हिज टर्बन। एक बार जब गोल्डी था वो जब अपने घूमने को गया था ना, तो उसका बहुत बड़ा तूफान आया पानी का और हवा चलने लग गई, ठीक है, और टर्बन एंड फेल इनटू द पॉन्ड। उसका टर्बन पानी में गिर गया। द टर्बन वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर। उसका जो टर्बन था ना वो पूरा भीग गया और पानी में एकदम दूर बह गया। गोल्डी शाउट, उसने चिल्लाया, गेट मी माय टर्बन, माय टर्बन। गोल्डी ने आवाज़ लगाई, क्या कहा, मतलब चिल्लाया, मुझे मेरा टर्बन वापस चाहिए, कोई है जो मेरा टर्बन मुझे ढूंढ कर देगा, आई हैव लॉस्ट माय मनी, मैंने पूरा पैसा खो गया। बट देर वॉज नो वन अराउंड टू गेट गोल्डीज टर्बन आउट ऑफ द वाटर। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था गोल्डी के टर्बन को बचाने के लिए, पानी के बाहर निकालने के लिए। एट द सेम टाइम वैसे ही गोल्डी वॉज हैप्पी टू, बिकॉज हिज रिच हैड नॉट गॉन थ्रू। गोल्डी खुश भी था और ना खुश भी था, खुश भी था कि उसकी जो ब्रूच, गोल्डी का जो भी पैसा है वो ब्रूच के पास नहीं गया। द नेक्स्ट डे एज यूजुअल ब्रूच वेंट फिशिंग इन द सेम रिवर। वो दूसरे दिन ये जो ब्रूच है ना वो भी वही रिवर में फिशिंग करने को गया था, वही रिवर में, ठीक है। ही कैच अ ह्यूज फिश, उसने एक बड़ी सी मछली पकड़ी। ब्रूच वॉज वेरी हैप्पी एंड एट हिज कैच एंड ही रैन होम टू टेल हिज वाइफ। ब्रूच जो
बड़ी मछली पकड़ा था उसकी वजह से वो खुश था, और वो अपने घर पे जाके उसकी वाइफ को बताना चाह रहा था। When Bruj cut open the fish, he found the diamond inside the fish body. जब उसने मछली को काटा तो उसके अंदर से एक डायमंड निकला। Bruj and his wife jumped with enjoy, with joy. Bruj और उसकी वाइफ एकदम खुशी से कूदी मारने लगे। Thursday the wise man man's नहीं Thursday the wise man's words that all of Goldie's wealth would someday pass on to his poor neighbor Bruj had came true. तो उसका मतलब ये है कि Bruj ने जो ये वाइज ओल्ड मैन ने कहा था उसकी बात सही निकली। एक सुना ठीक है। Who were neighbors? Bruj and Goldie were neighbors. And second is let's